One amazing thing is that Jesus, when he came into this world, he chose to become a member or a part of a human family. क्या हुआ कि यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने एक परिवार का सदस्य बनना चुन लिया. वो परिवार का सदस्य बन गया. Think about this. God became member of a family. इसके बारे में जरा सोचिए. यीशु एक परिवार का सदस्य बन गया. If he is coming and becoming a member of your family, what will it be like? अगर वो आकर आपके परिवार का सदस्य बन गया तो वो कैसा होगा? जरा सोचिए. A God who is in heaven, becoming a man and becoming a member in your family, and you don't know that. परमेश्वर जो स्वर्ग में है और वो पृथ्वी पर आता है और आपके परिवार का वो सदस्य बन जाता है और आप इस बात को नहीं जानते हैं कि वो महान परमेश्वर आपके परिवार का सदस्य बन गया है. See, in this case, Jesus' family, Mary and Joseph, angels had supernaturally announced the matter. He's going to become the savior of the world. यहाँ पर मरियम और यूसुफ के परिवार में स्वर्गदूत ने अलौकिक रीति से घोषणा की थी कि वो जगत का उद्धार करता होगा. But what about the younger ones? तो वो जो छोटे हैं, तो उनके बारे में क्या? They had no oracles from God. They had no dreams. They had no visions. No angelic visitation. And they saw Jesus as their elder brother. That's all. उनके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई. किसी भी स्वर्गदूत ने नहीं बताया. स्वर्गदूत ने मुलाकात नहीं की. उन्होंने यीशु को अपने बड़े भाई के रूप में देखा. बस इतना ही. वो यीशु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे. उसे बड़ा भाई मानते थे. And they were playing together, eating together, doing many things together, sleeping together. वे एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ वे रहते थे. Even after Jesus started his public ministry, they never recognized that he was the Son of God. यहाँ तक कि जब यीशु ने सेवकाई शुरू की, तब भी वो नहीं जान पाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है. क्या आप जानते हैं?